और 5 साल के अंदर क्या मिला गरुंडा को? 5 साल निरंतर आपके गरुंडा के फुटपाथ तोड़ने का काम इन लोगों ने कि किसी तरह ठेकेदारों के माध्यम से जेब भरी है। 5 साल में बता दो गरुंडा के अस्पताल में कोई डॉक्टर आया? 5 साल में बता दो गरुंडा को कोई टोल टैक्स से निजात मिली? 5 साल में कोई बिजली की व्यवस्था बनी? साथियों, हर प्रकार से अपने इस क्षेत्र को पिछड़ापन इस सरकार ने दिखाया। आज हम देखते हैं, समझते हैं कि लोगों द्वारा 5 साल के अंदर नारा तो दिया गया एक हरियाणा एक हरियाणवी का, मगर इस पूरे अरसे के अंदर हरियाणवियों को 74वीं दी, छत्र साहब ने 74वीं तो बाहर के लोगों को दी। आज इसका दफ्तर उठा लो OST बाहर के, यूनिवर्सिटी उठा लो वाइस चांसलर बाहर के। आप चीफ मिनिस्टर का मीडिया एडवाइजर उठा लो। साथियों, आज जो समझने और देखने की चीज है, ST इलेक्ट्रिकल की भर्ती निकली 80 पोस्ट, उसमें हरियाणा के कितने लोग? इससे पिछली भर्ती निकली 55 पोस्ट, हरियाणा के कितने? 8। साथियों, जिस प्रकार से भेदभाव चल रहा है, इनकी तो एक ही सोच है कि हमारे प्रदेश के युवा के हाथ से रोजगार छीन लिया जाए। प्रदेश के अंदर 4 बार आग लगवा दी, 80 लोगों की सरकारी गोलियों से जान ले ली। मुझे याद है पंचकूला का वो वाक्य, जहां सरे आम निहत्ते डेरा प्रेमियों के छाती पे इन लोगों ने गोली मारी। साथियों, याद करो 516 साल पुराना इस बीजेपी की शासन ने संत श्रोमणी रविदास जी का मंदिर दिल्ली में तोड़वा दिया। आज भी 55 लोग जेल के अंदर। आज ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शायद कल या परसों में मोटा भाई छोटा भाई भी आ जाएगी, राष्ट्रहित की बात करेंगे, कहेंगे 370 हटा दी। साथियों, हमें तो गर्व है हरियाणा की धरती पर, जिसमें हर सेना का 10वां जवान हमारी इस धरती से जाता है। साथियों, हमें गर्व है कि हमारी धरती से आज देश के लिए कुर्बानी देकर जितने नौजवान शहीद हुए हैं, जितने नौजवान तो इस मोटा भाई छोटा भाई की जोड़ी के प्रदेश से आज तक फौज में भी मिले। फिर तो तेज बहादुर बता देगा कि आज हमारे बॉर्डर पर चाइना पाकिस्तान घुसने से इसलिए रुकता है कि वहां पर आज के दिन हरियाणा का फौजी खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, और इसलिए हमने खट्टर साहब के आगे भी एक मजबूत सारथी खड़ा कर दिया, और खट्टर साहब को भी लोहे के चने चबाने पर मजबूर करने का काम है तेज बहादुर को। साथियों, मेरी तो विनती है, प्रार्थना है आपसे कि अब समय कम बचा है और इस कम समय के अंदर हमें मेहनत बहुत करनी, घर घर तक घुस जाओ। आज मैं जी को जिम्मेवारी इसलिए नहीं दी कि एक अच्छा है, इसलिए जिम्मेवारी दी जिनके ऊपर विश्वास चौधरी देवीलाल जी का भी था, जो चौधरी देवीलाल ने 1998 में इनको टिकट देकर यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ाने में पा दिया, और आज वो विश्वास दोबारा आपके ऊपर हम डालकर जाने का काम कर रहे हैं। ये सोच लो, उमेश जी को दिया गया एक एक वोट मेरी ताकत बनेगा। आप ये सोच लेना कि उमेश जी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, ये सोच लेना कि आपकी गोंडा विधानसभा से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए विनती है कि आज से घुसकर एक एक व्यक्ति तक संपर्क साधो, एक एक व्यक्ति को जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा पार्टी का प्रचार करने का काम करो। साथियों, दूसरी ओर पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, कभी चोर अपने आप को चोर बोलता सुना है? कभी ईमानदार आदमी को ईमानदारी का प्रतीक देना पड़ता है? खट्टर साहब पहले आदमी है जो इश्तिहार लगाता है ईमानदार सरकार। साथियों, 5000 करोड़ रुपए तो खदानों में खा, फिर भी ईमानदार सरकार। 1000 करोड़ रुपए रोडवेज की स्कीम में खागी किलोमीटर वाली में, तो भी ईमानदार सरकार। ये बिजली के मीटरों की बात कर रहे थे मेरे से पहले, ये दुकानों के बाहर लगा दिए। पहले किसी का 500 रुपए 1000 रुपए बिल आया करता था, अब कितना आता है? 2500 5000 9000। देख लो, सबके हाथ अलग अलग है, दुखी सारे हैं, बोले कोई सफल नहीं। साथियों, ये बिजली के मीटर लगा दिए नए, उन मीटरों से क्या हुआ?
गुजरात की कंपनियों के खाते में 100 करोड़ रुपया फालतू गया, जिसके ऊपर एक्सीएन नॉर्थ को आज सस्पेंड कर रखा है। इनने खुद माना है कि उसमें घोटाला हुआ है। इनने तो एससी एसटी बच्चों की छात्रवृत्ति तक खा ली। आज 4 जिलों के अंदर 24 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप एससी एसटी की खाने का काम की सरकार ने। साथ ही 1 करोड़ रुपए में जो पर्ची खर्ची कहते हैं जुडिशरी का पेपर लीक हुआ। आप सोचो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके नायब तहसीलदार का पेपर 2.5 लाख रुपए में बिकता हुआ पाया गया। ये परिस्थिति हरियाणा प्रदेश की। साथियों, ये बेईमान लोग हैं। डी ग्रुप के अंदर हमारे पढ़े लिखे बच्चों जो आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी कर रहे थे, एमएससी एम बीएड करी हुई थी, आज सरकार ने उनको क्या भर्ती कर दिया, चपरासी। साथियों, तो मां बाप लाख रुपए से ऊपर बच्चे की शिक्षा पे खर्चता है, 5 साल उसको कॉलेज भेजता है ये सोचने के लिए कि उसका बाप बेटा या उसकी बेटी 10वीं फेल वाला जॉब करेगी। साथियों, ये हालत कर दी कि हरियाणा का बीटेक तो इन्हें चपरासी लगा दिया और छोटा भाई मोटा भाई को खुश करने के लिए गुजरात का बीटेक आज एसटीओ लगा दिया। पर ये भेदभाव नहीं चलेगा कि आपके भाई का बेटे का वादा है राज बनने पर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार के अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के बच्चों के। वही जब बुढ़ापा पेंशन की बात है, साथ ही बुढ़ों का सम्मान इन लोगों ने छीन लिया। मैं तो एक विश्वास आपको दिलाता हूं कि आप बुजुर्गों के सम्मान की बात, इन लोगों ने तो बैंकों की लाइनों में खड़ा कर दिया। 200,000 रुपए के लिए भी तस्वा दिया, 2-3 महीने नहीं आते। ये निर्णय आपकी पार्टी का है। जब एक कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो सकता है तो हमारे बुढ़ों को 60 इंतजार करने की जरूरत नहीं। बुढ़े तो 58 साल में पेंशन बनवाएंगे। अरे, मेरी चाची ताई बैठी है, इनकी मैं 55 साल में घर बैठे पेंशन बनवाने का काम करूँ। और घर बैठे भी नहीं, एक चीज और सुन लो, जब पेंशन राज बनने के बाद आएगी तो फिर एक नोट भी मिला करेगा। 2000 का तो एक मिलता है, सारा राज बन जाएगा तो 2-5 सौ दे दूंगा, 2-2 हजार के दूंगा और 100 का पूरे 5100 रुपए देने का काम करूंगा। 5100 का मतलब है कि हमारे बुढ़े की 5100, बुढ़िया की 5100 कितनी होगी, 10,200। बादशाह गलेगा नहीं गलेगा, हम खड़े हो जाओ। जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ये आपकी पार्टी का निर्णय है कि हर शहर के वार्ड में हर गांव में बड़े कमर्शियल आरओ लगाए जाएंगे, जिससे स्वच्छ पीने का पानी घर तक पहुंचाया जाएगा। या कैंसर जैसी बीमारियां, काले पीलिया जैसी बीमारियों से आम जन के घर तक कैंसर जैसी बीमारी पहुंच चुकी है। हम ये निर्णय लेते हैं कि जब आपका प्रदेश में राज बढ़ेगा तो भाई चाहे अपोलो जाए ही हो, चाहे फोर्टिस जाए ही हो, चाहे मेदांता जाए ही हो, कैंसर काला पीलिया या कोई जानलेवा बीमारी है, गरीबों के घर लुट जाते हैं उन बीमारियों का इलाज करवाते हुए, तो उनका आर्थिक बोझ ना बने, ये सरकार पूरा खर्च आपका उठाने का काम करेगी। साथियों, क्या कर्ज माफी की बात है, जहां हमारे दुकानदार भाई आज परेशान है कि सरकार ने अगर सबसे ज्यादा गला घोटा है तो व्यापारी वर्ग का घोटने का काम किया है, और अब तो इनके लोग व्यापारियों को भी लुटेरा बोलने लगे। साथियों, इनको जवाब दो, इनको बताओ कि आज कमेरा और किसान एक होकर लड़ाई लड़ेगा, और जब कमेरा किसान आगे बढ़ेगा तो फिर चंडीगढ़ पर फतेह करके रुकने का काम करेगा। साथियों, पिछहत्तर पार कहते हैं ना, गरुंडे वाले तो सबसे सही जगह बैठे हैं, थोड़ा सा झोटा मार दो इस बारी। उमेश जी भी विधायक तो लगभग बनी लिए, पर थोड़ा सा धक्का मार दोगे तो विधानसभा तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा धक्का लगाओगे तो ये जब मशीन 24 तारीख को टीटी करेगी, रिजल्ट आएगा, तो फिर अब की बार 75 पार में गरुंडा वाले ठाके यमुना पार करा के आएंगे मुख्यमंत्री।